अभय बने हुए हैं। देखिए जो दो चीजें थी अभय की, पहला तो ये सस्पेंस था कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन और कब बनेगा, तो ये सस्पेंस तो खत्म हो चुका है। लेकिन अब अगला जो कदम है और अगली जो तस्वीर है वो इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में क्या चंपई सोरेन पास होते हैं या नहीं। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, जो आज तस्वीर है, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर, और दो मंत्री के तौर पर आलमगीर आलम और साथ ही सत्यानंद जो है आरजेडी पार्टी के, उन्होंने भी शपथ ले ली है। लगातार संशय चल रहा था कि आखिरकार हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कौन शपथ लेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या पार्टी बचेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। क्योंकि जो नाम निकलकर शुरू में सामने आ रहे थे, कल्पना सोरेन का नाम निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन इस बात से नाराज थी सीता सोरेन, नाराज थी, वो चाहती थी कि वो इसकी हकदार ज्यादा है। बसंत सोरेन का नाम निकलकर सामने आ रहा था, ये बात भी निकलकर सामने आ रही थी जब चंपई सोरेन का नाम आ गया था कि शिबू सोरेन ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन आज देखा गया जिस तरीके से चंपई सोरेन जो है शपथ लेने से पहले जो शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने गए और उसके बाद उन्होंने शपथ ले ली है, तो ये तो संशय बिल्कुल दूर हो गया है। दूसरी जहां तक बात है फ्लोर टेस्ट की, मीनाक्षी जिस तरीके से हमारी बात हो रही है कांग्रेस के नेताओं से भी और जेएमएम के नेताओं से भी पिछले कुछ दिनों से, तो अब स्थिति ऐसी लगती नहीं है कि फ्लोर टेस्ट पास नहीं हो पाएगा। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि संभावनाएं जो है वो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकती है, ऐसे में कुछ विधायक टूट ना जाए, एंड टाइम पे ना टूट जाए, और जिसकी संभावना जो है वो किसी साजिश की संभावनाएं जो है लगातार जेएमएम और कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। इसी वजह से राजभवन जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो अंदर हो गया है। थोड़ी देर में चीफ मिनिस्टर जो है झारखंड के चंपई सोरेन, उनका कार्केट निकलेगा, बाकी के मंत्री निकलेंगे, विधायक यहां से निकलेंगे, लेकिन चंपई सोरेन और जो मंत्री हैं वो तो जाएंगे सर्किट हाउस, और विधायक जो है अभी तक जो हमें जानकारी है, हालांकि इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अभी तक यही जानकारी है जो विधायक बताकर निकले हैं कि वो लोग यहां से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन है जहां से वो लोग हैदराबाद जा सकते हैं, इस बात की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। हालांकि राज्यपाल की तरफ से 10 दिन का समय दिया गया था कि 10 दिन के अंदर आप फ्लोर टेस्ट करवाइए, अपनी बहुमत साबित कीजिए, लेकिन जो महागठबंधन है, जो जेएमएम है और साथ ही कांग्रेस है, वो ऐसा नहीं चाहते कि फ्लोर टेस्ट कराने में कुछ ज्यादा दिन का वक्त लग जाए और उसी बीच कुछ जो विधायक है वो टूट ना जाए, क्योंकि उन्हें अभी भी इस बात का डर जरूर सता रहा है। वो तस्वीरें लगातार देखी जा रही है कि जब आपके पास, आप कह रहे हैं कि आपके पास 43 विधायकों के हस्ताक्षर हैं, वैसे आपके पास 47-48 हैं, फिर भी कल हमने देखा जिस तरीके से बस में बैठाकर सभी विधायकों को एयरपोर्ट ले जाया गया, वो तो कल मौसम खराब था, वरना अभी सभी विधायक हैदराबाद होते। तो आज भी, क्योंकि अभी जो जानकारी है कि 5 फरवरी, अभी उसमें 2 दिन और है, 5 तारीख तक का की कोशिश है चंपई सोरेन की, इनकी सरकार की, कि ये लोग अपना फ्लोर टेस्ट कर दें, बहुमत साबित कर दें, लेकिन इस बीच भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसा भी संभव है कि सर्किट हाउस में सबको रख दिया जाए, लेकिन संभावनाएं इस बात की ज्यादा है कि सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि खरीद फरोख्त या टूट फूट की कोई भी गुंजाइश ना रहे, और जब फ्लोर टेस्ट करना होगा तो सभी विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से वापस रांची बुला लिया जाए। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं राजभवन के भीतर की, चूंकि मैं 18 घंटे पहले का निशिकांत दुबे का एक एक्सपोस्ट पढ़ रही थी, उसमें ये कहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट, आज की परेड में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि नेता पद और मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन चंपई सोरेन को लेकर शिबू सोरेन खुश नहीं है। तो ये सारी बातें तो जो है अब वो हवा हवाई लग रही है, केवल कयास ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब बस देखना यह है कि वो जो निशिकांत दुबे एक और इशारा जो कर रहे थे कि 35 विधायक ही हैं इनके साथ, मैजिक नंबर नहीं है इनके पास, अब वो होता है या नहीं, उसके लिए तो हमें सोमवार तक का इंतजार करना होगा। अब बस ये बता दें कि विधायक यहाँ से सभी के सभी हैदराबाद जा रहे हैं, जिन 43 विधायकों, एक बार पहले हम सुन लेते हैं चंपई सोरेन क्या कह रहे हैं। अपना रिलीज कर देगा, भैया
कैसे डिमांड होता है इमरान भाई, चार तार उठा कर क्यों करना है? राजीव जी, राजीव जी चलो अभय, अभय अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, चलिए तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर जब चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस वक्त बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, और हो भी क्यों ना, बहुत बड़े चैलेंज के साथ बीते दो दिनों में, तीन दिनों में ये पार्टी इस चैलेंज को पार करके इस मुकाम तक आई है। राजभवन तक आना, मिलने का वक्त ना मिलना, राज्यपाल से उन्हें लौटा दिया जाना, और फिर जैसे ही ये आश्वासन दे दिया गया कि आप कल आइए और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, उसके बाद संशय के बादल छटते गए, संतोष पार्टी के अंदर आता गया, और आज हमने देखा मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, और उप मुख्यमंत्री के तौर पर आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ले ली है। इसके बाद अब जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, हैदराबाद की तरफ विधायकों का ये कूच शुरू हो चुका है, और इसके पीछे हम जिन संशयों की बात कर रहे थे, जिन संभावनाओं की बात कर रहे थे, उनका जिक्र होना बहुत ज़रूरी इसलिए है, एक बड़ा संवैधानिक संकट बना हुआ था, और वो संकट इस लिहाज से बना हुआ था कि क्या पार्टी के अंदर कोई टूट की संभावना है, क्योंकि हैदराबाद के लिए जाने के लिए जो उड़ान भरी जानी थी उसमें सीता सोरेन की मौजूदगी नहीं थी। कहा यह जा रहा था कि बसंत सोरेन भी खुश नहीं है, शिबू सोरेन भी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के मामले में अपनी हामी नहीं दे रहे हैं। ये केवल खबरें थी, ये राजनीतिक हलकों में फ्लोट हो रही थी, लेकिन चूंकि आज चंपई सोरेन ने शपथ ले ली है, इसके बाद कम से कम पार्टी के अंदर टूट की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही। वो अलग बात है कि इन अगले 48 घंटों में यदि कुछ हो जाए, कोई टूट हो जाए, तो इसी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी का वो ठीक नहीं रहता है। हम सारे लोग इंटैक्ट हैं, एक जगह है, एक जगह उसमें आपत्ति क्या है। सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी का ये ठीक नहीं रहता है, ठीक नहीं रहता है। इसका इशारा सीधा सीधा यही था कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। गठबंधन के पास संख्या था, आप लोगों ने देखा वीडियो के ऊपर, आपने ही चलाया वो, उसके बावजूद महामहिम की तरफ से न्योता नहीं आया, क्योंकि ये जो किया गया था वो पूर्वाग्रह से किया गया था। उन्होंने पहले से तय किया था कि शपथ ग्रहण नहीं होने देना, और वो देर इसलिए कर रहे थे कि वो विधायकों को तोड़ सके। भाजपा का दो प्लान था, एक तो ये प्लान था कि वो बाहर से समर्थन देके विधायकों को तोड़कर एक सरकार बनाए, दूसरा प्लान ये था कि इस्तीफा के बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करे। लेकिन जब हमने उनको उनके सामने तुरुप का पत्ता चला और जब अपना संख्या बल दिखाया तो उनके पास कोई उपाय नहीं बचा। उसके बावजूद प्रयास यही है, यहाँ बीएल संतोष बैठे हुए हैं, भाजपा का जो संघ का नेतृत्व करता है, उन सब की मंशा ये है कि सरकार को, विधायकों को किसी तरह से अस्थिर किया जाए, तोड़ा जाए, और ये प्रलोभन से बचाने के लिए नहीं है, बिकने वाले नहीं है विधायक, ये विधायकों को की सुरक्षा की बात है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव में उनको कमजोर ना किया जाए। आप आपके मुख्यमंत्री के ऊपर झूठा मुकदमा करके ईडी के केस में